नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे में पूछे गए दोस्तों जो आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं उसका दोस्तों ऊर्जा का पार्ट नंबर जो है 3 लेके आ चुके हैं। आगे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से जो है गति कर रही है, उस वस्तु का गतिज ऊर्जा बताना है। तो गतिज ऊर्जा का बस फार्मूला पे आपको रख देना है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv2, m यानी द्रव्यमान, v यानी कि उसका वेग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2, और आपका द्रव्यमान कितना है, 15 kg है, ठीक है, और वेग कितना है, तो दोस्तों आपका 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 8 × 8 या फिर कहें 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो यानी 15 × 4 यानी कि आपका 15 × 4 = 60 × 8 यानी 648 यानी 480 जूल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 480 जूल, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 11 किग्रा यानी कि केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, निहित ऊर्जा, और जी का मान 9.8 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है निहित ऊर्जा जब पूछ रहा है, यानी कि ये जो है स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो mgh पूछ रहा है। m यानी द्रव्यमान क्या है आपका 11 kg, और आपका जो है जी का मान 9.8 रखना है बताया है, और ऊंचाई कितना है 6 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 11 का गुणा करेंगे तो 11 × 8 = 88 यानी 1 पॉइंट लगेगा, और 8 यहाँ पर हो जाएगा, और 11 × 9 = 99 और 8 आपका 107 यानी कि 107.8 × 6 यानी कि दोस्तों 648 यानी 0.8 वाला राइट आंसर आएगा, यानी हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आने वाला है, 648 तो 4 हो जाएगा हासिल, और 6 × 7 = 42 और आपका 4 = 46 ठीक है, और यहाँ पर 4 आ जाएगा और 6 × 6 यानी 646.8 जूल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई तक जो है चली जाती है, इसमें क्योंकि इसमें होती है, देखिए क्या होता है, जो बंदूक से चलती गोली है उसमें होता है भैया गतिज ऊर्जा, और इसी कारण कभी कभी गहराई तक, और कभी कभी क्या कि गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या कर देता है, कभी कभी लक्ष्य को छेद भी देता है, तो जैसा भी लक्ष्य रहेगा उसके अनुसार। तो यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदूक से जो चली गोली है उसमें गतिज ऊर्जा, यानी डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्बाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। देखिए टरबाइन क्या होता है, जो आप देखे होंगे डायनेमो लगा करके जो पानी बहते हुए पानी से क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए टरबाइन, इस पे पानी जो बहेगा या फिर गिरेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा तो क्या होगा, ये जो है बिजली बन जाएगा। इसी प्रकार से पवन चक्की में भी होता है, हवा टकराएगा तो क्या होगा, ये घूमेगा और घूम करके क्या बन जाएगा, बिजली बन जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है क्या बनता है, गतिज ऊर्जा को बहते हुए पानी में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, और गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो है 0.5 किलोग्राम मतलब कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है, ठीक है, चिकनी सतह पर दोस्तों जो है ये चिकनी सतह पर जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, घन जो है क्या कर रहा है, ये जो चिकनी सतह है उस पर दोस्तों जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है, वह जो है 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं, टकराव के दौरान जो है ऊर्जा की क्षति क्या है, तो ऊर्जा की क्षति क्या होगी, जो आपकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी वही आपकी ऊर्जा की क्षति हो जाएगी। तो दोस्तों पहले हमको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो दोस्तों देखिए
जो हम मान लेते हैं जो संयुक्त संवेग हो जाता है, मतलब जो संयुक्त सॉरी वेग जो हो जाएगा मतलब टकराने के बाद, वो v हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब देख लेते हैं संवेग के संरक्षण सिद्धांत से क्या होगा। टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद संवेग बराबर होता है। यानी दोस्तों इसको क्या लिखेंगे हम, एम वन लिखते हैं और वी वन जो है इस दोनों को दोस्तों प्लस करेंगे एम टू वी टू में। किस में? एम टू और वी टू के गुणनफल में दोस्तों जो है इनको प्लस करेंगे तो बराबर में हमारा क्या आएगा, एम वन प्लस एम टू, ठीक है, इनटू क्या होगा वेग, वेग यानी वी संयुक्त जो है वो। ठीक है, अब यहाँ पर m1 यानी द्रव्यमान क्या दिखा दे रखा है, 0.5 m1 दे रखा है 0.5 इनटू v1 क्या दे रखा है 2, तो 2 जो है आपका प्लस m2 क्या दे रखा है 1 किलोग्राम। ठीक है, और v कुछ नहीं था मतलब कि ये वस्तु चल नहीं रहती तो 0, ये तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। और m1 यानी कि 0.5 प्लस m2 यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 1 इनटू क्या हो जाएगा आपका वी, यानी टोटल जो आपका हो जाएगा वो वी हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर वी इज इक्वल टू निकालें तो ध्यान दीजिएगा 0.5 में 2 का गुणा करेंगे यानी 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही देगा, यानी 1 आपका हो गया। इज इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए आपका 0.5 है और 1 है, यानी डेढ़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेढ़ हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर हम v के बराबर निकाल दें, v के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो v के बराबर आपको हो जाएगा मतलब वेग बराबर जो दोनों का हो जाएगा वो आपका 1/1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/1.5 यानी सॉरी 1/1.5 यानी कि इसको लिख सकते हैं आप जो है 2/3, दो आधा से काटेंगे तो 2/3 यानी 2/3 जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड जो है वेग हो जाएगा, संयुक्त वेग जो हमने बताया था शुरू में हमने माना था। ठीक है, v बराबर हो जाएगा। तो ऊर्जा की क्षति बराबर क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा में कमी आई है वही ऊर्जा की क्षति है। यानी दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हाफ m, m यानी कि m1 यानी कि 0.5, हाफ जो है इनटू क्या 0.5 इनटू v1 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसमें जो कमी आई है यानी कि हाफ, ठीक है, इनटू क्या होगा आपका m1 और m2 प्लस करेंगे, m1 यानी 0.5 प्लस m2 यानी 1, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, इनटू करेंगे भैया v यानी ये बड़ा वाला यानी 2/3 हम लाए हैं का स्क्वायर, v का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो है जो आपकी कमी निकल के आएगी वही राइट आंसर होगा। तो आप जो है चाहे तो सीधे सीधे यहाँ पर कुछ चीज़ें काट सकते हैं। देखिए पहले तो ये याद रखिए कि दोस्तों यहाँ पर जो है 1/2 है इनटू ये 4 हो जाएगा, 4 का जब गुणा करेंगे 0.5 में तो क्या हो जाएगा 2 दे देगा, और 2 से 2 आप सीधे यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, यानी 1 माइनस ये टोटल आपका 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 का गुणा करेंगे मतलब आधा में, या फिर इसी से काट दीजिए तो आपका 2 हो जाएगा, फिर आप करेंगे 0.5 में 2 का गुणा तो आपका 1 ही होगा। 1 माइनस क्या माइनस करना है, 1 में से हमको 1 में से माइनस करना है। अब इसमें ध्यान दीजिए ये डेढ़ हो जाएगा आपका, डेढ़ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ पर दोस्तों इसको जो डेढ़ को क्या लिख सकते हैं, डेढ़ को आप जो है 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पर सिंपलीफाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिंपल कर दे रहा हूँ, 1/2 इंटू डेढ़ को क्या लिख सकते हैं आप, 3/2 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 2/3 इंटू 2/3। अब इसको देखिए काटेंगे बहुत आसानी से, ये देखिए कट गया, फिर इसके बाद दोस्तों ये 2 को काट दीजिए, फिर दोस्तों आपका जो है ये 2 को आप काट दीजिए, 1/3 से ये 3 कट गया, उसके बाद दोस्तों ये जो है 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया। यानी दोस्तों जो है 1 में से घटाना है आपको 1/3,
तो यानी राइट आंसर आपका जो आ जाएगा वो आपका जो है 0.67 जूल में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में मौजूद है, सी में आपके मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी को दोस्तों जो है 2/3 भी कहते हैं, वही आपका आएगा एक में से जो है घटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है भैया? देखिए कुछ चीज़ें में बहुत ज़्यादा साइंस होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। देखिए किसी बंदूक से बुलेट को अगर हम दागेंगे तो बुलेट की जो भी गतिज ऊर्जा होगी वो बंदूक की तुलना में अधिक ही होगी, तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जो है आप चाहे तो जो है आप जो है वेग और जो है M1 की तरफ से जो है आप 1/2 mv² से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि M1 V1 का आपका स्क्वायर बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा 1/2 M2 जो है V2 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे पता चल रहा है तो ज़्यादा यहाँ पर साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस होता है आपका जो है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, यांत्रिक ऊर्जा में से इस गतिज ऊर्जा को घटा दिया गया है यानी पक्षांतर कर दिया गया, बराबर आपका क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में मौजूद है। बस उसी सूत्र को आगे पीछे कर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर भी वही है, ध्यान देंगे एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखिए बस उसी को कैसे कैसे घुमा करके पूछेगा। देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या होता भैया यांत्रिक ऊर्जा, ये देखिए किसी वस्तु का क्या होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है किसके प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। किसके प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। देखिए बस क्वेश्चन एक ही है, उसी को घुमा फिरा के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो है एग्जाम में पूछता है। ऊर्जा के दो प्रकार, देखिए ऊर्जा में दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों जो है यांत्रिक ऊर्जा अभी हमने बात किया, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि आपकी स्थितिज और जो है आपकी गतिज के नाम से जानी जाती है। तो वही यहाँ पर राइट आंसर ए ही होगा, वही है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 जो है मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु का गतिज ऊर्जा बताना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर आपका होता है 1/2 mv², यानी होता है 1/2 × 1/2 m बराबर आपका 15 v यानी 7 हो जाएगा वेग, 7 के स्क्वायर यानी 15 × 7 = 105 × 7 यानी 7 × 5 = 35 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा 7 × 7 = 735 जो है 1/2 735 में आधा कर देंगे यानी 367.5 जूल हो जाएगा। मात्रा क्या होता है, जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, 12 kg की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, यदि जो है वस्तु का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, यानी यहाँ पर 600 जूल पहले ही बता दिया है, ठीक है। 12 kg का वस्तु है और भूमि, तो भूमि के संदर्भ में उसकी ऊंचाई बताना है, g का मान 10 बता ही दिया है और h ही हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, 600/ क्या हो जाएगा आपका 120 यानी 0 × 0 = 12 × 5 = 60 यानी 5 जो है, एक सेकेंड, हाइट क्या हो जाएगा 5 मीटर जो है आपकी हाइट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर आपके डी में मौजूद है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, कौन सी है जो कि गतिज ऊर्जा है, बंदूक से निकली गोली ये दोस्तों बिल्कुल गतिज ऊर्जा है भैया, तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन बिल्कुल ये भी आपका गतिज ऊर्जा है, एक साधारण पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति भी वही है, यानी यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी।
नेक्स्ट बात करेंगे जो है छ जो है मीटर प्रति सेकंड की वेग जो है गतिमान कोई वस्तु है तो क्या कर रही है, उसका जो द्रव्यमान बता रहे हैं वो 10 केजी है, वस्तु का गतिज ऊर्जा बताना है, यानी गतिज ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर जो है हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा क्योंकि वेग यहाँ पर दे रखा है, हाफ हो जाएगा और वेग सॉरी एम क्या हो जाएगा, एम आपका 10 केजी है और वेग दोस्तों 6 × 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 36 × 5 यानी कि 5×6 30 3 हो जाएगा और 5×15 = 18 यानी आपका 180 जूल होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में मौजूद है, 180 जूल ऊर्जा का मात्रक जूल। नेक्स्ट बात करेंगे ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है, कौन सा सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये तो सही बात है कि भौतिक पदार्थ नहीं है, तो सत्य नहीं वाला बताना है, तो ये तो ठीक ही है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप, बिल्कुल ये भी आपका सही है, माप है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित या मापा जा सकता है, ये भी ठीक है। डी वाला गलत है, डी वाला दोस्तों यहाँ पर गलत है, रूपांतरण के दौरान जो है निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ऐसा नहीं है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, निर्वात में थोड़ी जाने लगती है, डी वाला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किसे जो है न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये ऊर्जा के बारे में कहा जाता है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 किग्रा जो है द्रव्यमान का एक वस्तु है और इसका वेग भी बता दिए हैं, क्या वस्तु का जो है 10 मीटर प्रति सेकंड समान वेग से यानी हाफ एम बी स्क्वायर लगाना है, हमको पता है, नहीं होगा तो आगे चेंज कर देंगे, हाफ एम बी स्क्वायर ही लगाना है, तो आपको बताना है गतिशील ऊर्जा यानी वही बात है, हाफ एम क्या है 20 है और वेग क्या है 10 × 10 वी स्क्वायर है ना, इसलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको 10 कर दीजिए यानी आपका जो है 1000 जो है 1, 2, 3 है, 3 जो है जूल राइट आंसर होगा, 1000 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 केजी का हथौड़े जो है द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करना है, इसे जो है 10 मीटर की ऊंचाई तक जो है बढ़ाया जाता है, जी का मान आपका दे रखा है यानी स्थितिज ऊर्जा लगाएंगे, ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे आप स्थितिज ऊर्जा लगाएंगे, MgH लगाएंगे क्योंकि हथौड़े की स्थिति के कारण हो रहा है, ठीक है स्थितिज ऊर्जा लगाएंगे यानी M यानी कि 20 kg और G यानी 10 जो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और हाइट भी आपका 10 मीटर दे रखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3 जो है यानी 2000 जूल इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में मौजूद है, 2000 जूल यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है 13 kg का जो है द्रव्यमान का एक वस्तु है और यहाँ पर अब हमको लग रहा है कि हाफ एम बी स्क्वायर लगने वाला है और यहाँ पर जो है 1/2 यानी 13 और V क्या दिया है आपका 5 जो है मीटर प्रति सेकंड यानी 5 × 5 ठीक है, वेग से निहित आपको यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा बताना है तो वही यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा यानी दोस्तों यहाँ पर जो है 50 यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा पहले इसको 13×65 और 5 यानी 50 2 हो जाएगा और 5×31 = 32 यानी 325 का आधा यानी 12.5 आपका हो जाएगा 150 और 12.5 यानी आपका 162.5 हो जाएगा जो कि आपके जूल में होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है 325 का आधा, ठीक है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 20 किग्रा का दोस्तों यहाँ पर क्या है वस्तु है, अब आपका हाफ एम बी स्क्वायर मुझे दिख रहा है हाफ एम वी स्क्वायर यानी आपका जो है हाफ यानी इंटू 20 इंटू वी क्या है 5 × 5 अब यहाँ पर आपको बताना है यानी कि ये आपका 10 हो जाएगा यानी 50 और 10 बढ़ा देंगे जूल में राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 250 जो है आपका जूल। नेक्स्ट जो है आपका गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र पूछा गया है MgH होता है क्या होता है MgH होता है U बराबर क्या होता है MgH यानी ऑप्शन नंबर बी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थे जो कि आपके रेलवे में दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, बार बार ये आता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।